इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज भारत देश के कोने कोने में निकाली जा रही है विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल की शौर्य जागरण यात्रा। वहीं दूसरी ओर सनातनियों में शौर्य के जागरण हेतु खरगोन जिले के भगवानपुरा पहुंचा बजरंगदल का रथ। बजरंगदल द्वारा खरगोन विभाग में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। कल मंगलवार को सुबह 9 बजे से खरगोन के दाऊदखेड़ी के हनुमान मंदिर में बजरंगबली हनुमान जी का पूजन अर्चन करने के बाद से प्रारंभ हुई यात्रा, जो कि मोंगर गांव, मोमदिया, सेजला, बनहेर और बिस्टान होते हुए भगवानपुरा पहुंची। बजरंगदल की शौर्य यात्रा का जिले के प्रत्येक गाँव एवं शहरों की आम जनता ने जगह जगह भव्य तरीके से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बजरंगदल की शौर्य यात्रा न सिर्फ आकर्षण का केंद्र रही बल्कि चर्चा का विषय भी बनी रही। कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक पर हाथों में भगवा झंडे लिए डीजे की थाप पर चल रहे भक्ति गीतों से और जय श्री राम के जयकारों से गजब का उत्साह देखते ही बन रहा था। अब आपको बता दें कि बजरंगदल की शौर्य जागरण यात्रा तो दिनांक 8 सितंबर बाजरा पेशवा समाधि स्थल से प्रारंभ होकर खरगोन, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया होते हुए भगवानपुरा पहुंची, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री अतिशय जी जोशी द्वारा सनातनियों को मम दीक्षा हिंदू रक्षा ऐसा संकल्प दिलाया। साथ ही समाज में एकता के भाव को लेकर के हिंदू समाज शौर्य की ओर अग्रसर हो ऐसा आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन भगवानपुरा प्रखंड मंत्री लोकेंद्र सिंह राजपूत जी ने किया। जिला उपाध्यक्ष प्रीतम जी, जिला सह समरसता प्रमुख ओम जी सेन, जिला सह अखाड़ा प्रमुख रवि जी सोनी, जिला सुरक्षा प्रमुख विकास जी जैन, प्रखंड अध्यक्ष रूपेंद्र मंडलोई जी, प्रखंड संयोजक संजय ठाकुर, प्रखंड उपाध्यक्ष शिवराज जी पाटिल, प्रखंड सहमंत्री अरविंद जी, प्रखंड गौरक्षा प्रमुख रोहित जी गोले, प्रखंड गौरक्षा प्रमुख विनोद जी, हरीश जी, पप्पू जी, श्रवण जी, लक्ष्मण जी, विकास जी, खंड एवं नगर कार्यकर्ता शौर्य जागरण यात्रा में उपस्थित रहे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।